वेलकम टू मंजूस रसोई। आज मैं आपको दाबेली बनाना सिखा रही हूँ, जो कि राजस्थान की फेमस है, लेकिन आजकल तो पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की फेमस हो गई है। सब लोग बहुत पसंद करते हैं और घर में हर चीज़ मिल जाती है। तो कैसे बनाया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मैं बता रही हूँ। ये 2 पाव्स लिए हैं और मैंने 2 आलू को बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने 3 विसल लगाई और 2 टेबल स्पून मैंने अनारदाने लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्टेड पीनट लिए हैं और ये नमकीन सेव हैं, जो कि लास्ट में डालते हैं, जो इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और ये जो चीज़ है रेड चिल्ली और गार्लिक, इसको मैं डिप करके रखूँगी 1/2 घंटे तक, फिर उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करते हैं तो ये ऐसा आता है। और ये दाबेली मसाला है, जितना लगता है 1 to 2 टेबल स्पून। और मैं मीठी चटनी डालूँगी, जो मीठी चटनी मैंने शक्कर और गुड़ और इमली को भिगा के रखा 1/2 घंटे तक, फिर उसको मैंने छान लिया। छान के स्टोव पे मैंने ये इमली का जूस डाला, सॉल्ट और जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची, उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। तो ये चटनी ऐसी बन जाती है, जो कि मैं इसमें असेंबल करूँगी। एक साइड में गार्लिक चटनी डालूँगी और एक साइड में इमली की चटनी डालूँगी। अब कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। अब मैं ये बताती हूँ कि दाबेली में जो आलू का मसाला बनता है कैसे बनता है। बहुत ही ईजी है, हर कोई बना सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी आलू बॉइल्ड हैं तो जल्दी बन जाता है। इमली का जूस, जो दही बड़े बनाते हैं, जो इमली का जूस रहता है, अगर ये 2 इंग्रेडिएंट घर पे हो तो जल्दी हो जाता है। अब कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूँ। मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद मैं मिर्ची 1/4 टीस्पून मिर्ची डाल रही हूँ। गैस स्लो कर दीजिए। अब इसमें आप ये जो 2 आलू बॉईल थे, 2 से 3 वो मैश करके आप डाल दीजिए। और इसमें जो दाबेली मसाला है, 1 टेबल स्पून आप दाबेली मसाला डाल दीजिए। ऐसे दाबेली मसाला में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो लाल मिर्ची डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। नहीं भी डालेंगे तो भी टेस्ट आएगा, तो मैंने थोड़ी सी डाली है। इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालते हैं। अच्छा, कुछ नहीं भी डालो चलेगा। और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। और जो मैंने मीठ चटनी बनाई थी वो डालूंगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के इमली का जूस डालूंगी, ताकि ये और चटपटा लगे। जब वो मसाला बन के अंदर जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको जितना हो सके आप मैश कर लीजिए, या पहले भी मैश करके रख सकते हो। ये मैश आराम से हो जाता है, इजीली हो जाता है। इसके बाद जब ये आलू की सब्जी रेडी हो जाएगी, इसके बाद क्या क्या डालते हैं वो मैं भी बता रही हूँ। क्योंकि ये आलू की सब्जी रेडी हो गई है, अब ये ठंडी होगी, फिर इसमें मैं
पीनट्स डालूंगी, सॉल्टेड पीनट्स जो मैंने पहले बताए थे कि एक दो चम्मच है, थोड़े मैं अभी डालूंगी, थोड़े मैं बाद में डालूंगी। देखिए ये सब्जी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं एक टेबलस्पून पीनट्स डाल रही हूँ, बाकी अनार के दाने और सेव मैं बाद में असेंबल करके बताऊंगी कैसे कर। सब्जी रेडी हो गई है, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये दाबेली का मसाला रेडी हो गया है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें मैंने सिर्फ अभी अनार के दाने डाले। कैसे बन के अंदर डालते हैं वो मैं बताती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया है, तवा गरम हो जाए। उसके बाद कैसे बंस के अंदर ये सब डालते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। आप बटर में भी बना सकते हो, तेल में भी बना सकते हो, मैं बटर में बना रही हूँ। गैस स्लो है, ये पाव है। अब मैं इसमें सब डाल के दिखाती हूँ कि आलू की सब्जी कैसे उसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले आप इसमें मीठी चटनी एक साइड लगाइए, अच्छी लगाइए, अगर फीकी फीकी लगती है। ये जो मैंने मीठी चटनी इमली और नमक और शक्कर से जो बॉईल करके बनाई है, ये मैंने अच्छी तरह लगा लिए। अब दूसरी साइड में गार्लिक चटनी लगाऊंगी। अगर गार्लिक चटनी में मैंने आपको बताया था कि गार्लिक मिर्ची और थोड़ी सी इमली का जूस डाल के रेडी करी, आप कम भी डाल सकते हैं। अगर आपको गार्लिक और मिर्ची नहीं सूट करती है तो आप ग्रीन चटनी भी इस साइड लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी और ये मीठी चटनी अच्छी डालिएगा ताकि आपको खाने में मज़ा आए। अब ये मैंने अच्छी तरह डाल दिया। अब क्या है, अब मैं इसको आलू की सब्जी जो मैंने पहले रेडी करके रखी थी वो मैं डाल रही हूँ। ये भी आप अच्छी तरह भरिएगा, बहुत ही अच्छी तरह। इस सब्जी में मैंने पीनट भी डाले हुए हैं और अनार के दाने भी। अब इसमें आप प्याज भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। जिनको प्याज अच्छे नहीं लगते हैं वो प्याज नहीं डालें, जिनको अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़े अनार के दाने और डालूंगी, मैंने पहले भी डाले थे लेकिन मैं और भी डाल रही हूँ। और थोड़े से मूंगफली के दाने, ये असेंबल हो गया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। बंद करके ये जो बटर है जो मेल्ट हो गया है उसके ऊपर रख रही हूँ। मैंने गैस बीच में बंद कर दी थी, अब मैं फिर से ऑन कर रही हूँ। रखिएगा, गैस मीडियम है, इसको थोड़ा सा ही सेकना है, दोनों साइड बटर लगा के आप इसको सेकिए। थोड़ा गैस तेज कर दीजिए, चारों तरफ आप इसको सेक लीजिए। ये चारों तरफ से सिक गया है, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये मैंने पतले सेव
जो मार्केट में इजली मिल जाते हैं वो मैंने स्प्रेड कर लिया। अब ये जो मैंने बनाया है दाबेली वो इसके ऊपर लगाएंगे। चारों तरफ से आप उसको कोट करिए नमकीन सेव से। वाह, दिखने में कितना अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके पास आलू पहले से बॉयल्ड है, मीठी चटनी पहले से बनी हुई है, अनार है, तो ये देखिए कितने जल्दी बन गया है। अब मैं आपको डेकोरेट करके बताती हूँ। दाबेली रेडी हो गई है, दिखने में तो बहुत यमी है। आप बनाइए, खाइए और मंजूस रसोई में सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ भी मैंने सर्व किया है। किसी किसी को हरी चटनी बहुत पसंद आती है, तो मैंने हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व किया। मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मंजूस रसोई।